द बुक्स रेनबो प्रेजेंट्स द थीफ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक 15 साल का लड़का जिसका नाम दीपक है और जो एक चोर है, कैसे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने के लिए चोरी से दूर होने का फैसला करता है और अंत में अपने दोस्त के विश्वास को कायम रखता है। इस कहानी में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपना नाम दीपक बताता है और 15 साल का है। वह एक चोर है। वह एक 20 साल के लड़के से मिलता है जिसका नाम अरुण है और जो कुश्ती देखने का शौकीन होता है। दीपक अरुण से कहता है कि वह उसके साथ काम करना चाहता है। अरुण उससे पूछता है कि क्या उसे खाना बनाना आता है। दीपक झूठ बोल देता है कि उसे आता है। इस पर अरुण बोलता है कि फिर ठीक है, लेकिन उसे तनख्वाह देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। और फिर अरुण दीपक को अपने रूम पर ले जाता है और कहता है कि वह बरामदे में सो सकता है। उस दिन दीपक खाना बनाता है, लेकिन वह इतना बुरा होता है कि अरुण पड़ोस की बिल्ली को उसे डाल देता है। दीपक अपनी चिर परिचित मुस्कान से अरुण को देखता है, जिसे देखकर अरुण भी काफ़ी देर तक जोर जोर से हंसता है और दीपक से कहता है कि वह उसे सुबह खाना बनाना सिखा देगा। और अरुण दीपक को खाना बनाना ही नहीं सिखाता, वह उसे उसका नाम लिखना भी सिखाता है। अरुण कहता है कि बहुत जल्द वह उसे पूरे वाक्य लिखना भी सिखा देगा। दीपक को अरुण के साथ रहना अच्छा लगने लगता है। दीपक सुबह की चाय बनाता और दोपहर में सामान लेने बाजार चला जाता। दीपक बाजार की खरीदारी में कुछ पैसे भी बचा लेता है, जिसे वह अरुण को भी बताता है। अरुण दीपक को काम करने के कोई पैसे तो दे नहीं रहा होता है, तो उसे दीपक के सामान को सस्ता खरीदकर पैसे बचाने में कोई परेशानी नहीं होती। अरुण दीपक को लिखना सिखा रहा था, जिसका दीपक बहुत एहसान मानता है। वह सोचता है कि एक दिन वह किसी पढ़े लिखे आदमी की तरह लिख सकेगा और उसके बाद वह जो चाहे हासिल कर सकता है। अरुण का पैसे कमाने का कोई निश्चित तरीका नहीं था। वह कभी उधार लेता, कभी उधार देता, और जब उसके पास उसके पैसे आते तो वह पैसों को खूब खर्च करता। एक दिन अरुण शाम को नोटों की गड्डी साथ लाता है और रात को नोटों की उस गड्डी को अपने सिरहाने रखकर सो जाता है, जिसे दीपक देख लेता है। दीपक के दिमाग में चोरी का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। वह सोचता है, लगभग 15 दिनों से वह अरुण के साथ है और बाजार का सामान खरीदने से ही वह थोड़े से पैसे बचाता है। वह सोचने लगता है कि उसके पास चोरी करने का अच्छा मौका है, लेकिन उसका मन ऐसा करने से उसे रोकता है, क्योंकि अरुण दीपक पर बहुत विश्वास करता था। दीपक सोचता है कि किसी लालची आदमी को लूटना आसान है, क्योंकि लालची के साथ ऐसा ही होना चाहिए। किसी अमीर आदमी को लूटना भी ठीक है, क्योंकि अमीर आदमी यह सहन कर सकता है, लेकिन किसी गरीब और अच्छे आदमी को लूटना बहुत मुश्किल है। एक लालची या अमीर आदमी अपने पैसों को सुरक्षित रखता है, लेकिन अरुण ने अपने पैसे इस तरह रखे हैं जिन्हें चुराना उसके लिए बच्चों का खेल है। इसलिए दीपक अपना मन पक्का करता है और अपने आप से कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं चुराए तो अरुण उन पैसों को अपने दोस्तों पर ऐसे ही खर्च कर देगा। अरुण सो रहा था। दीपक हाथों और पैरों की सहायता से चुपचाप अरुण के कमरे में पहुंच जाता है। वह सोचता है, अगर उसने नोटों की गड्डी चुरा ली तो उसे यह शहर छोड़ना होगा और वह शायद 10:30 बजे वाली अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ सकता है। दीपक चुपचाप अरुण के सिरहाने में अपना हाथ डालता है। उसकी उंगलियां नोटों की गड्डी को ढूंढने लगती हैं। उसको नोटों की गड्डी मिल जाती है, जिसे वह बिना किसी आवाज के निकाल लेता है और चुपचाप कमरे से बाहर आ जाता है। वह बाजार से होता हुआ स्टेशन की तरफ भागने लगता है। उसके पास नोटों की गड्डी थी, जिन्हें वह गिनना चाहता है, लेकिन सोचता है कि ऐसे में ट्रेन लेट हो जाएगी और वह ट्रेन को पकड़ नहीं पाएगा। वह क्लॉक टावर की घड़ी देखता है, जिसमें 10:20 हो चुके थे। वह थोड़ा रुकता है और हाथ की उंगलियों से नोटों की गड्डी को टटोलता है। 5-5 रुपए की उस गड्डी में लगभग 100 रुपए थे। दीपक खुश हो जाता है और सोचता है कि अब वह 1 या 2 महीने तक राजकुमारों की तरह रह सकता है। दीपक स्टेशन पहुंचता है। वह टिकट ऑफिस में नहीं रुकता, क्योंकि उसने आज तक कभी टिकट लिया ही नहीं था। वह सीधे प्लेटफॉर्म पर जाता है। अमृतसर एक्सप्रेस निकल ही रही होती है और अभी इतनी धीमी चल रही होती है कि दीपक कूदकर उसमें चढ़ सकता था, लेकिन अचानक दीपक रुक जाता है और इसका कारण वह खुद भी नहीं समझ पाता। अमृतसर एक्सप्रेस चली जाती है। दीपक प्लेटफॉर्म पर खड़ा अकेलापन महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि वह रात कहाँ बिताए। उसका कोई दोस्त नहीं था और वह होटल में भी रात नहीं बिताना चाहता था, और वह केवल एक ही आदमी को जानता था जिसके पैसे उसने चुराए थे। दीपक स्टेशन से चला जाता है। वह बाजार से गुजरता हुआ अरुण के विचारों में खोया होता है कि अरुण सो रहा होगा और उसे चोरी की भनक भी नहीं लगी होगी। वह सोचता है कि चोरी होने पर या कुछ खो जाने पर या नुकसान होने पर अलग अलग लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। लालची व्यक्ति घबराता है, अमीर व्यक्ति गुस्सा दिखाता है,
गरीब व्यक्ति भयभीत होता है, लेकिन वह जानता है कि जब अरुण को चोरी का पता चलेगा तो ना तो वह घबराएगा, ना ही गुस्सा होगा और ना ही भयभीत होगा। वह बुरी तरह दुखी हो जाएगा, पैसों की चोरी की वजह से नहीं बल्कि मेरे द्वारा उसके विश्वास को तोड़ने के लिए। दीपक चलते चलते एक मैदान में पहुंच जाता है और एक बेंच पर बैठ जाता है। रात को ठंड हो रही थी और थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। वह पूरा भीग जाता है। वह फिर से बाजार की तरफ जाता है। आधी रात हो चुकी थी। वह नोटों को देखता है जो बारिश के पानी से भीग गए होते हैं। दीपक नोटों को देखकर सोचने लगता है कि सुबह शायद अरुण मुझे इनमें से एक रुपये देता, लेकिन अब ये सारे पैसे उसके हैं। अब उसे ना तो खाना बनाना है, ना ही बाजार से सामान लाना है, और ना ही उसे पूरे वाक्य यानी कि सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे। अचानक से वह इन शब्दों पर अटक जाता है, पूरे वाक्य। पैसे चुराने के उत्साह में वह यह लगभग भूल ही गया था कि अरुण उसे पढ़ना लिखना भी सिखा रहा है। वह तेजी से सोचने लगता है कि अगर वह लिखना और पढ़ना सीख जाएगा तो एक दिन उसके पास इन 100 रुपयों से ज्यादा पैसे आएंगे। चोरी करना आम बात है, लेकिन सचमुच एक बड़ा और सफल व्यक्ति बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस तरह अरुण के प्रति प्रेम, चिंता और पढ़ना लिखना सीखकर बड़ा आदमी बनने की चाह से वह निश्चय करता है कि वह अरुण के पास लौट जाएगा। दीपक बेचैनी से अरुण के कमरे की तरफ जाने लगता है। उसे मालूम है कि चोरी करना आसान है, लेकिन चोरी की चीज दोबारा वापस रखना चोरी करने से ज्यादा मुश्किल है। अगर पैसे वापस रखते वक्त वह पकड़ा जाता है तो उसके लिए यह बहुत बुरा होगा। दीपक बहुत सावधानी से दरवाजा खोलता है। अरुण अभी भी सोया हुआ होता है। वह फिर से हाथों और पैरों की मदद से रेंगता हुआ अरुण के बिस्तर के पास पहुंचता है और चुपके से उसके सिरहाने के नीचे नोटों की गड्डी रखकर वापस आ जाता है। सुबह दीपक देर से उठता है। अरुण जल्दी उठ गया था और उसने चाय भी बना ली थी। उसने अपना एक हाथ दीपक की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ में 5 रुपये थे। दीपक सक पका जाता है, लेकिन अरुण उसे बताता है कि कल उसने कुछ पैसे कमाए हैं और अब वह दीपक को उसके काम के लिए पैसे भी देगा। दीपक इस बात से खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ उसने कल रात अरुण के पैसे वापस रख दिए थे। जब दीपक ने वह 5 रुपये का नोट पकड़ा तो वह कल की बारिश की वजह से गीला होता है। तभी उसे अरुण कहता है कि आज वह उसे उसके नाम के अलावा कुछ और भी लिखना सिखाएगा। दीपक समझ जाता है कि अरुण सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बना है, और फिर वह अपनी चिरपरिचित मुस्कान से अरुण को देखने लगता है। और इस तरह हम देखते हैं कि कैसे दीपक चोरी करने के बाद अरुण का विश्वास तोड़ने की अपराध भावना में यानी कि गिल्ट की फीलिंग के कारण वापस आ जाता है और अरुण के पैसे वहीं रख देता है। दीपक को विश्वास, भरोसा और मेहनत करके लिख पढ़कर आगे बढ़ने की बात समझ आ जाती है। समाप्त।